मायशा और ईशान के रिलेशनशिप में आ गई है इनसिक्योरिटीज। ईशान कहीं ना कहीं प्रतीक को लेकर कर रहे हैं शक। मायशा के क्या है इस पर रिएक्शंस आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइज, आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में वन एंड ओनली जो सबसे क्विक लव स्टोरी शुरू हुई है वो है मायशा और ईशान की। अब ऐसे में अब आपको बता दूं कि जब घर में मायशा और ईशान ऑलरेडी एक लव केमिस्ट्री में है और ऑलरेडी जब मायशा का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि प्रतीक घर में ही मौजूद हो तो जाहिर सी बात है इनके बीच डिफरेंसेस तो आएंगे ही। अब इसी के साथ ईशान की इनसिक्योरिटीज हो गई है शुरू मायशा को लेकर। लगातार ईशान पॉइंट आउट कर रहे हैं मायशा को। ईशान का कहना है कि आप ऐसी हरकतें ना करो जिस पर हम पर बाकी लोग हंसे। यहां तक कि ईशान ने मायशा को यह भी कह दिया कि तुम्हारे और प्रतीक की बढ़ती हुई नजदीकियों से मुझे प्रॉब्लम है। तो यहां पर प्रतीक और मायशा जो कि ऑलरेडी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पहले से रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ये बातें ईशान को पता है। तो ईशान को जेलिसी हो रही है प्रतीक और मायशा जब भी आते हैं करीब। अब इसी बात को लेकर ईशान ने मायशा से पूछ दिए सवाल और साथ ही साथ अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा दी है। अब इसी बात को लेकर मायशा और ईशान के शुरू हो गए हैं आपसी पंगे। मायशा हो गई हैं ईशान से नाराज कि आखिरकार ईशान इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों फील कर रहे हैं। और यहाँ अब ईशान काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं ईशान और मायशा के। तो क्या ये इनसिक्योरिटीज़ डिफरेंसेस ब्रेकअप का कारण बनेगी ईशान और मायशा की? क्या प्रतीक सहजपाल के कारण मायशा और ईशान हो जाएंगे अलग? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।